हेलो फ्रेंड्स, गिल्ड मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। अट 23 सितंबर है ते अपन रेडी अपने करंट अफेयर सेशन दे नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपोर्टेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दे लई, सब तो पहले सेशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जितने भी तुसी शेयर कर सकते हो, जितने भी तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो काइंडली सेशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सेशन, सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ नू डिस्कस करांगे, इन्हों कल दे सेशन दे विच डिस्कस किया सी उन्हों दी रिवीजन करांगे, उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू MCQ फॉर्म दे विच ही डिस्कस करांगे। 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर डे, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर नू ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा पंकज त्रिपाठी नू ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा पंकज त्रिपाठी नू ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। पंकज अडवाणी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है इन्होंने अल मैसीला दोहा कतर दे विच। इन्होंने इस टाइटल नू दूसरी बार जीते। उड़ीसा सरकार ने अनाउंस किया कि जो स्टेडियम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी दे दो स्टेडियम्स का नाम किन्हां दे नाम दे उत्ते रखे जाएगा, एक का नाम दूती चंद के नाम दे उत्ते और दूसरा पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भगत दे नाम दे उत्ते इन्हां नू रखा जाएगा। द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडैक्स दे विच इंडिया की रैंकिंग 46 रही है। इसका 16वां इंडैक्स है और इसनों पब्लिश किया गया वीपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, स्वीडन दूसरे नंबर पर, USA तीसरे नंबर पर, लास्ट ईयर इंडिया 48वें नंबर पर रहा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट 2021 दे अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक, चाइना और USA तो बाद। प्रभलीन सिंह द्वारा बुक लिखी गई शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया इस बुक नू जारी किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इन्हां दो कंपनीज़ नू की दिती गई है अप्रूवल दिती गई है एज ए स्पोंसर फॉर NPS न्यू पेंशन स्कीम है जो नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस दी स्पोंसर किसनू दिते गए ने, दो होर ऐड किए गए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड 2020 दिता गया डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री दे ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती कितों बिलोंग करते हैं, चितूर आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। राजीव अग्रवाल हैड बनाए गए ने पब्लिक पॉलिसी फेसबुक इंडिया दे हैड राजीव अग्रवाल। बीआरओ ने आयना राणा जो एक वूमेन आर्मी ऑफिसर ने पहली बार इन्हों ऑफिसर कमांडिंग अपॉइंट किया 75 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी उत्तराखंड। पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वाणिज्य सप्ताह 20 तो लेकर 26 सितंबर तक। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इन्हों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग अरुणाचल प्रदेश दे फ्लैगड इन किए। इस टीम नू बेसिकली इन्होंने माउंट कुन दी चढ़ाई की है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 115 देशों तो 7 कॉन्टीनेंट्स तो अयोध्या राम टेंपल दे लई पानी रिसीव किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अमित शाह होम मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा स्टे वीज़ा की शुरुआत की गई है अफगानिस्तान के जो लोग इंडिया के रह रहे ने जो कि तालिबान अटैक करके इंडिया के आ गए ने उन्होंने स्टे वीज़ा दिता गया।
ईरान, ईरान द्वारा 9th मेंबर बनाया गया एससीओ का, एससीओ का 9th मेंबर किस कंट्री नू बनाया गया, ईरान, ईरान याद रखांगे। इस तो अलावा अब्राहिम रायसी ईरान दे हेड ने, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप गल करते हैं तो बीजिंग चाइना के हेडक्वार्टर 2001 इसनों बनाया गया से। INS शिवालिक और INS कदमत, शिवालिक और कदमत इंडोनेशिया की विजिट पर ने टू पार्टिसिपेट इन बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया की किस दे नाल है, इंडोनेशिया दे नाल है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च अनमैन स्पेस क्राफ्ट तियानजू थ्री नाम के स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है चाइना द्वारा। नीदरलैंड, नीदरलैंड द्वारा होलोकोस्ट म्यूजियम की शुरुआत की गई है वर्ल्ड वॉर टू के विक्टिम्स के लिए इसनों बनाया गया। मनसुख लाल मंडाविया, मनसुख लाल मंडाविया जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का 3rd फूड सेफ्टी इंडैक्स इन्होंने जारी किया है, हेल्थ मिनिस्टर ने इन्होंने इसनों जारी किया है। स्टेट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस उत्ते गुजरात है जो लास्ट स्टेट कैटेगरी के टॉप पर रही, 2nd नंबर पर केरला, 3rd प्लेस पर तमिलनाडु। गोवा, गोवा स्मॉल स्टेट कैटेगरी के टॉप पर रही, 2nd नंबर पर मेघालय, 3rd नंबर पर मणिपुर। और जम्मू एंड कश्मीर यूटीज के टॉप पर रही, 2nd नंबर पर अंडेमान निकोबार और 3rd नंबर पर दिल्ली रहे। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड द्वारा सेल्फी विद टेंपल कैंपेन की शुरुआत की गई, सेल्फी विद टेंपल की कैंपेन की शुरुआत कितने हुई, उत्तराखंड। तमिलनाडु ने की कराया एनरोचमेंट ऑफ लैंड रिलेटेड टू रिलीजियस प्लेसिस, जो रिलीजियस प्लेसिस की लैंड है अगर उसते कुछ कब्जा किया जाता है, उसते कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है तो इसनों एक अनबेलेबल क्राइम समझा जाएगा, कॉग्निजिबल डिफेंस नामित किया गया। यूपी, यूपी ने लॉन्च किए मातृभूमि योजना, मातृभूमि योजना के अंडर बेसिकली वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का चांस दिता गया। राजस्थान, राजस्थान द्वारा 2009 के रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजिज एक्ट को अमेंड किया गया और इस दे अंदर चाइल्ड मैरिजिज नू भी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी अनाउंस किया गया। उड़ीसा, उड़ीसा द्वारा ड्राई राशन स्कीम की शुरुआत की गई, ड्राई राशन स्कीम की शुरुआत कितने हुई है, उड़ीसा दे विच। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडिया का बिगेस्ट मैन मेड फॉरैसट बैरन लैंड मैन मेड इंडिया का बिगेस्ट फॉरैसट है जो कितने लगाया गया, छत्तीसगढ़ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम नंदिनी फॉरैसट रखा गया। तेलंगाना, तेलंगाना ने यूनीसेफ युवा और इनक्वी लैब फाउंडेशन के नाल मिलकर, यूनीसेफ युवा और इनक्वी लैब फाउंडेशन के नाल मिलकर 2nd एडिशन लॉन्च किया है तेलंगाना स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 का, तेलंगाना स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 का। नेक्स्ट है द क्राउन, द क्राउन हैज़ वॉन 73rd एमी अवार्ड, 73rd एमी अवार्ड किसने जीते है, द क्राउन फॉर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ दे, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ दे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करांगे, MCQ फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया गया 22nd of September, 22 सितंबर नू हर साल वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया जाता है, पूरी डिटेल है डिस्कस करांगे। सब तो पहले राइनो डे 22nd September नू ऑब्जर्व किया गया, थीम रहेगी कीप द फाइव अलाइव, कीप द फाइव अलाइव, कीप द फाइव अलाइव क्यों इसकी थीम है, क्योंकि राइनोज की अगर आप गल करते तो 5 स्पीसीज पाई जाती हैं, राइनोज दियाँ 5 स्पीसीज पाई जाती हैं जिस दे विचों वन हॉर्न राइनो स्पीसीज है जो उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन कितने पाई जाती है, असम के काजीरंगा नैशनल पार्क के पाई जाती है। ठीक है, वर्ल्ड राइनो डे 5 स्पीसीज ने, तो याद रखांगे फाइव, कीप द फाइव अलाइव। इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल ऑब्जर्व किया गया 20 से लेकर 26 सितंबर तक, थीम रही है सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज, सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज। इस तों इलावा वर्ल्ड रोज डे ऑब्जर्व किया गया 22nd of September, वर्ल्ड रोज डे 22nd September ऑब्जर्व किया गया, बेसिकली एक लड़की सी
ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਲਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਸਕਿਨ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਐਮਬ੍ਰੇਨ। ਐਮਬ੍ਰੇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਐਮਬ੍ਰੇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਬ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੈਵਿਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19। ਔਰ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19। ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਈਬਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਅਰ ਬੈਸਟ ਡੇ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੋਪ ਸਪੋਟ ਆਫ ICC ਵੂਮੈਨਸ ODI ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਵਨ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ODI ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਨ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ICC ਦੁਆਰਾ ਵੂਮੈਨਸ ਵਨ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਟੋਪ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਟੋਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਣਾ, ਝੂਲਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਔਰ ਪੂਨਮ ਯਾਦਵ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਐਮੀ ਸੈਥਵਰੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਔਥਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦ ਕਸਟੇਡੀਅਨ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦ ਕਸਟੇਡੀਅਨ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, SBI ਦੇ ਫੋਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦ ਕਸਟੇਡੀਅਨ ਆਫ ਟਰੱਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ SBI ਦੇ ਕਰੰਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਨੋ ਯੂਅਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਐਂਡ ਕਲੇਮ ਦੈਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਰੂਟਸ। ਐਲਫਰੈਡੋ ਕੋਵਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵਾਹਨ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਐਲਫਰੈਡੋ ਕੋਵਿਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਐਲਫਰੈਡੋ ਕੋਵਿਲੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੈਦੀਪ ਹਰੀਦਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਕ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਰਾਮ ਰਾਓ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਦੀਪ ਹਰੀਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाल लभी है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी किन उन्हें लभी है। की नाम है उन्हों का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशनल मिनिस्टर ने इन द्वारा बनाई गई है नैशनल स्टीयरिंग कमेटी। नैशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई किस दे लई? फॉर डेवलपमेंट ऑफ नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बेसिकली जो नैशनल लेवल पर करिकुलम है, सिलेबस है, इसनों बनाने लई स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। स्टीयरिंग कमेटी के हैड कौन बनाए गए? तो स्टीयरिंग कमेटी के हैड बनाए गए ने के कस्तूरी रंगन इस कमेटी के हैड बनाए गए हैं। हुण याद रखांगे के कस्तूरी रंगन पहले भी न्यूज़ के रह चुके ने। के कस्तूरी रंगन नैशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रीसेंटली नैशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 दे विच, इसनू बनान दी जो कमेटी सी उसदे भी हैड सीगे। के कस्तूरी रंगन जो रीसेंटली नैशनल एजुकेशन पॉलिसी दे रिलेटेड कमेटी बनाई गई सी उसनू भी हैड किया गया सी, चेयरमैन सीगे के कस्तूरी रंगन। एनके सिंह की गल करते हैं, चेयरमैन ने 15th फाइनेंस कमीशन दे चेयरमैन कौन सीगे? एनके सिंह। उमेश सिन्हा इलेक्शन कमिश्नर होंगे, डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर होंगे सी उमेश सिन्हा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की अगर आप गल करते हैं तो सुशील चंद्र इलेक्शन कमिश्नर ने, या कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उमेश सिन्हा इलेक्शन कमिश्नर होंगे सी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर करंट कौन ने? सुशील चंद्र। इन्हों के अंडर जो इलेक्शन कमिश्नर ने, दो इलेक्शन कमिश्नर ने सुशील चंद्र के अंडर, इन्ह के नाम कमेंट बॉक्स के दसने। नेक्स्ट है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा सिलेक्ट किया गया नेशनल बिजनेस कोरस्पोंडेंट। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड नू नेशनल बिजनेस कोरस्पोंडेंट नामित किया किस बैंक ने टू डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज इन अर्बन, सैमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। बेसिकली रूरल, अर्बन और सैमी अर्बन एरियाज दे विच बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा दे, जिथे तक सर्विसेज नहीं पहुंचियां उत्थे तक सर्विसेज पहुंचाउण दे लई की किया गया है? पार्टनरशिप की है BLS दे नाल। BLS नू कोरस्पोंडेंट बनाया, बिजनेस कोरस्पोंडेंट किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI द्वारा इसनों कोरस्पोंडेंट नामित किया गया। ठीक है, अगर बेसिकली SBI की ही गल करते हैं तो SBI की अगर आप गल करते हैं, SBI की स्थापना मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, 1935 RBI है और SBI 1955 है आई थिंक 1955 SBI बनाया गया सी। SBI का हैडक्वाटर मुंबई के और दिनेश कुमार खारा इस दे हैड ने। ठीक है, पंजाब नैशनल बैंक दे रीसेंटली MD बदले गए सी, इन्हों का नाम कमेंट बॉक्स में तुसी दसना है। पंजाब नैशनल बैंक ऐसा बैंक है जिसका हैडक्वाटर दिल्ली दे विच है, जिसका हैडक्वाटर न्यू दिल्ली दे विच है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैडक्वाटर वडोदरा गुजरात दे विच बैंक ऑफ बड़ौदा का हैडक्वाटर है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हैडक्वाटर आई थिंक मुंबई दे विच है, और यस बैंक का हैडक्वाटर भी मुंबई दे विच। नेक्स्ट है, हु हैज़ सीज्ड 2 टन ऑफ सी कुकम्बर है, जो कि बैंड मैराइन स्पीसीज़ है, इसनू सीज़ किया गया। दो टन इसनू बेसिकली ये काफ़ी कहांगे कि महंगी एक स्पीसीज़ है जो कि स्मगल की जाती है, इस करके गल्फ ऑफ मनार और पाक बे दे इलाके दे विच इसनू तमिलनाडु दे विच कह सकते हैं सीज़ किया गया, इसनू कब्जे लिया गया है, स्मगलिंग हो रही सी इसकी। तो ये कित्थे या किस द्वारा लिया गया? तमिलनाडु दे विच इसनू ICG द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इसनू कब्जे च लिया गया। ठीक है, या सीज़ किया गया। ठीक है, अच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु दे विच है, पाक बे तमिलनाडु दे विच है। ठीक है, पाक बे तो अगर कोई न्यूज़ याद आती है सानू रीसेंटली, जेकर आप गल करते हैं कुछ बनाया जा रहा है, की बनाया जा रहा है? डुगोंग पाक बनाया जा रहा है, डुगोंग पाक, या कह सकते हैं सी काओ पाक।
एक मेराइन स्पीसीज है डुगोंग, जिसनों पर सी काओ के नाम तो जानते हैं। उसके लिए कंजरवेशन सेंटर बनाया जा रहा है, पार्क बनाया जा रहा है, कितने? पार्क बे तमिलनाडु के विच। इंडिया का पहला है, इस करके इंपॉर्टेंट बने। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर आप गल कर लें तो इंडियन कोस्ट गार्ड दिल्ली के विच हेडक्वार्टर है। इंडियन कोस्ट गार्ड का इंडियन कोस्ट गार्ड द हैड के नटराजन ने, के नटराजन। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड का अगर कोई फाउंडेशन डे कमेंट बॉक्स से भी दसेगा। अच्छा, चलो सारे दी डिस्कस कर लेने हैं। BSF का फॉर्मेशन डे, ICG, CISF, CRPF और NSG, पंजा दे फाउंडेशन डे, या कह सकते हैं कि BSF डे या CSISF डे या CRPF डे किस दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं। इस तो अलावा इन्ह के हेड जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट बनेंगे, हेड रिसेंटली अपॉइंटेड ने, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेंगे, चाहे वो BRO दे राजीव चौधरी ने या BSF दे ने या CISF दे ने। इन्हें हेड रिसेंटली चेंज किए गए हैं, तो कमेंट बॉक्स के इन दे नाम दसने हैं। और बहुत ही घट बच्चे ने जो आंसर देंगे ने, काइंडली आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स के। ठीक है, नेक्स्ट है DRDO द्वारा, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है डिफेंस रिलेटेड ही। DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना नू टेस्ट फायर किया है। DRDO ने हैदराबाद के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना नू टेस्ट फायर किया है। हेलिना की है? हेलिना हेलीकॉप्टर वर्जन है नाग मिसाइल का। जो नाग मिसाइल है, जिसकी स्ट्राइक रेंज तकरीबन 20 किलोमीटर है, इसका हेलीकॉप्टर वर्जन है और इसकी स्ट्राइक रेंज 7 किलोमीटर है। हेलिना की स्ट्राइक रेंज 7 किलोमीटर तक दी है, और ये न्यूज़ दे विच है क्योंकि इसनों डिलीवर किया जा रहा है इंडियन आर्मी ने। जल्दी ही इसनों इंडियन आर्मी ने डिलीवर कर दिता जाएगा, सौंप दिता जाएगा। ठीक है जी, हैली ना मिसाइल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर, किस राइटर है जो जो एसोसिएटेड है हिंदी लैंग्वेज के नाल। इन्हों दे विचों केड़ा राइटर हिंदी लैंग्वेज के नाल एसोसिएटेड है, जुड़िया हुआ है। ठीक है, तो केड़ा इन्हां दे विचों हिंदी लैंग्वेज दे नाल जुड़िया होया? तो विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला। न्यूज़ दे विच क्यों है इन्हां दा नाम, न्यूज़ दे विच क्यों है या बाकी नाम न्यूज़ दे विच क्यों ने, डिस्कस करते हैं। रस्किन बॉन्ड वैसे इंग्लिश दे नाल जुड़े हुए ने, तेजवंत सिंह गिल पंजाबी दे नाल जुड़े हुए ने, बाला चंद्र नामेड़ा आई थिंक मराठी दे नाल ने, डिस्कस कर लेने हैं। डिटेल है कि बेसिकली जो साहित्य अकैडमी है, साहित्य अकैडमी दी जनरल काउंसल है, इसदे चेयरमैन ने चंद्रशेखर कंबार, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार साहित्य अकैडमी जनरल काउंसल दे चेयरमैन ने। ठीक है, इन्हां द्वारा की अनाउंस किया गया? विनर्स अनाउंस किए गए ने साहित्य अकैडमी फैलोशिप दे, साहित्य अकैडमी फैलोशिप दे विनर्स का नाम अनाउंस किया गया। ठीक है, टोटल 8 नाम ने, इंपोर्टेंट ने, डिस्कस करांगे। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड इंग्लिश दे लई, रस्किन बॉन्ड नू इंग्लिश दे विच सम्मानित किया गया फैलोशिप दे नाल। जो आप साहित्य अकैडमी अवार्ड डिस्कस करते हुए अलग होंगे, वो भी जो दिते जाएंगे डिस्कस करांगे। स्वामी राम भट्टाचार्य संस्कृत दे लई, डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल पंजाबी दे लई, डॉक्टर बाल चंद्र नेमाड़े मराठी दे लई, विनोद कुमार शुक्ला हिंदी दे लई, इंद्रप्रथ सारथी तमिल दे लई, एम लीलावती मलयालम दे लई, और श्री शेंदु मुखोपाध्याय बंगाली दे लई। ठीक है, जो नाम ईजी ने याद करने और जो इंपोर्टेंट ने कुदरती वो नाम काफ़ी ईजी ने, डिस्कस कर लेने हैं। तो सब तो इंपोर्टेंट नाम रहेगा रस्किन बॉन्ड का इंग्लिश दे लई। इस तो अलावा पंजाबी वाला पूछा जा सकता अपन, तेजवंत सिंह गिल पंजाबी दे लई, और हिंदी इंपोर्टेंट रहेगा विनोद कुमार शुक्ला। ये तीनों नाम जरूरी है याद करने। इस तो अलावा संस्कृत याद कर लियो, स्वामी राम भट्टाचार्य संस्कृत। ठीक है जी, चारों नाम इंपोर्टेंट रहेंगे, बाकी 4 एक बार रिवाइज कर लियो, बहुत ही रेयर चांस है जो पूछा जाएगा, तो रिवीजन जरूर कर लियो इन्हें भी। नेक्स्ट है, हु विल बी अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की अगर आप गल करते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के नवे चीफ कौन अपॉइंट किए गए? तो इंडियन नवे चीफ VR चौधरी। बेसिकली जो इंडिया के एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स जो कदों ऑबजर्व किया जाता है? 8 अक्टूबर में ऑबजर्व किया जाता है।
ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की गल करते हैं तो आर के सिंह भदौरिया, आर के सिंह भदौरिया इस दे हेड सीगे, ठीक है। इन्हों की रिटायरमेंट हो रही है 30 सितंबर को, 30 सितंबर ये रिटायर हो रहे हैं। तो उस तो बाद वी आर चौधरी, वी आर चौधरी जो कि वाइस चीफ सिगे, इन्हों चीफ बना दिता जाएगा इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स के हैड बना दिते जाएंगे वी आर चौधरी, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं करणबीर सिंह नेवी के हैड ने, एम एम नरवाने आर्मी के हैड ने, करणबीर सिंह नेवी के हैड ने, एम एम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने आर्मी के हैड ने, ठीक है जी। वी आर चौधरी इसका फुल नेम आई थिंक विवेक राम चौधरी है। इस तो इलावा नेवी डे की अगर आप गल करते हैं तो 4 दिसंबर है, आर्मी डे की गल करते हैं तो 15 जनवरी है, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप होर कुछ डिस्कस करना होर की डिस्कस कर सकते, CDS, CDS कौन ने, इंडिया के पहले CDS या जो करंट CDS, दोनों एको गल है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेम ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन ने, CDS जनरल बिपिन रावत, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। इस तो पहले आर्मी के चीफ होंगे सी, हुण ये CDS ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। नेक्स्ट है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफाई किया गया दो सिस्टर्स जिन्हों के नाम उमिनो सुमियामा और कौन कोदामा ने, ठीक है। दो सिस्टर्स ने उमिनो सुनियामा कौन कोदामा, इन्हों वर्ल्ड दे ओल्डेस्ट लिविंग आइडेंटिकल ट्विंस का दर्जा दिता गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज किए गए ने, 107 साल की उम्र के ओल्डेस्ट आइडेंटिकल ट्विंस ने, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। थोड़े ट्रिकी नेम ने उमिमो सुमियामा और कोमे कदामा, ट्रिकी नेम्स ने, 107 साल की एज है, आइडेंटिकल ट्विंस ने और ओल्ड एज दे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा नाम जारी किया गया है, और किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, जापान तो बिलोंग करते हैं, कितों बिलोंग करते हैं, जापान, ठीक है जी। नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडियो द्वारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीते गए ने, तीसरी वन, बेसिकली 2015 के अपॉइंट किए गए, 2015 to 2019 उत्थे 4 साल की टर्म होंगी है, जिस तरीके अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की टर्म 5 साल की है, कैनेडा के सिर्फ 4 साल की टर्म है। तो 2015 अपॉइंट किए गए, 2019 टर्म पूरी की, दूसरी बार अपॉइंट किए गए 2019 to 2023 तक दे, ठीक है। 2024 इलेक्शन होने से, सॉरी 2023 इलेक्शन होने से, ठीक है, 2023 के एंड या कह सकते 24 के, लेकिन इन्होंने की करया, इन्होंने अपनी टर्म तो 2 साल पहले ही दोबारा इलेक्शन करवाए, इतने 2021 हमने अपॉइंट कर दिए गए हैं नैक्सट 4 सालों के लिए, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शन की, तो कैनेडा की कैपिटल ओटावा है, ये याद रखांगे, और जर्मनी चांसलर एंजला मार्कल जो जर्मनी दे चांसलर ने, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये स्टेप डाउन करेंगे एट द एज एंड ऑफ 2021, कि अपनी पोस्ट छड़ रहे हैं 2021 दे एंड दे विच, ठीक है। काफ़ी लंबा टाइम तो जर्मनी दे चांसलर रहे ने, और फर्स्ट वूमेन चांसलर बने सी, जर्मनी दे फर्स्ट वूमेन चांसलर बने सी एंजला मार्कल, और काफ़ी टाइम तो रहे ने, तकरीबन आई थिंक 15 साल तक ये इस दे चांसलर रह चुके हैं, 2006 आई थिंक ये अपॉइंट किए गए थे। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एक अवार्ड दिता गया, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किन्ने ने, पहले तो ये याद रखांगे, दूसरा इन्हों का टारगेट किन्ना है ये याद रखांगे, दोनों चीज़ा कमेंट बॉक्स के भी तुसी दसने, काफ़ी बार आप डिस्कस किया है, दोनों चीज़ा कमेंट बॉक्स के भी दसने, किन्ने गोल्स ने और किन्ना इसका टारगेट है, ठीक है। इसकी कंटीन्यूअस प्रोग्रेस के लिए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना नू इस अवार्ड के नाल यूनाइटेड नेशंस द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सैटअप एन इलैक्ट्रॉनिक पार्क फॉर इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिज एंड असैसरीज, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिज
और असैसरीज दे ली, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिज और असैसरीज नू बनान दे ली इलैक्ट्रॉनिक पार्क सैटअप किया जा रहा है। स्टेट ने अनाउंस किया है, यूपी ने अनाउंस किया है, यूपी दे नोएडा दे विच, यूपी दे नोएडा दे विच इसनू स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो लिखा होएगा यूपी दे अनाउंस किया है इलैक्ट्रॉनिक पार्क फॉर इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिज एंड असैसरीज अलोंग यमुना एक्सप्रैस वे, यमुना एक्सप्रैस के नज़दीक नोएडा दे विच इसनू स्थापित किया जा रहा है। असम, सिमिलरली असम ने टी पार्क अनाउंस किया है, असम ने अनाउंस किया है टी पार्क बनाया जाएगा चाय गाँव कमरूप डिस्ट्रिक्ट दे विच, चाय गाँव कमरूप डिस्ट्रिक्ट दे विच। द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फैसटिवल, हिमालयन फिल्म फैसटिवल किस स्टेट या यूटी दे विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ले लद्दाख दे विच, ले लद्दाख दे विच। ठीक है जी, याद रखांगे क्वेश्चन दे ऑप्शन दे विच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इस तो इलावा जम्मू कश्मीर भी रहेगा, तो अपना आंसर होएगा ले लद्दाख, याद रखांगे। 75th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी जो किस गेम के नाल बिलोंग करती है, पहले क्वेश्चन स्टैटिक दे विच कई बार पूछा जा चुका है, संतोष ट्रॉफी किस गेम तो बिलोंग करती है, कलिंगा कप किस गेम के नाल बिलोंग करता है, ठीक है, या गवैस्कर ट्रॉफी, गवैस्कर ट्रॉफी किस गेम के नाल बिलोंग करती है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक दे विच पूछे जाते हैं, और सिमिलरली संतोष ट्रॉफी की गल करते हैं फुटबॉल की है, 75th एडिशन है केरला दे विच, केरला दे पायानाड स्टेडियम दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा, केरला दे पायानाड स्टेडियम दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओलंपिक ब्रोंज मैडल विनर, ओलंपिक दे ब्रोंज मैडल विनर हॉकी टीम दे विवेक सागर, विवेक सागर बेसिकली हॉकी टीम ने ओलंपिक्स दे विच टोक्यो ओलंपिक्स दे विच ब्रोंज मैडल जितया सी, उस टीम दे विच मैंबर ने विवेक सागर, इन्हां नू मध्य प्रदेश दे विच डीएसपी बनाया गया, इन्हां नू मध्य प्रदेश दे विच डीएसपी बनाया गया। एशिया दे फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार है, जो एशिया दी पहली फ्लाइंग हाइब्रिड कार है, जो ये मेडिकल एमरजेंसीज दे लई यूज़ की जाएगी, अनाउंसमेंट की गई है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, जिसनों विनाता कंपनी, विनाता कंपनी चेन्नई द्वारा बनाया गया, विनाता कंपनी चेन्नई द्वारा बनाया गया। ये न्यूज़ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, इस करके लास्ट डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग, इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिता गया दो नवे बीचिज़ नू, इंडिया दे दो होर बीचिज़ नू, केड़े बीचिज़, कोवलम, कोवलम बीच तमिलनाडु दे विच, और ईडन, ईडन बीच पुडुचेरी दे विच, ईडन गार्डन वैसे अगर गल कर दे एक स्टेडियम भी है जो कित्थे है कोलकाता दे विच है। ठीक है, ईडन बीच कित्थे है पुडुचेरी दे विच है, इन्हां नू कोवलम और ईडन इन्हां दो बीचिज़ नू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिता गया। ठीक है जी, इंडिया दे विच हुण टोटल 10 बीचिज़ ने जिन्हां नू ब्लू फ्लैग कैटेगरी दे विच रखिया गया है, किस द्वारा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा। ठीक है जी, इस दे विच बेसिकली कहांगे 8 बीचिज़ ने जो लास्ट ईयर ऐड किए गए थे, इस दे विच गोल्डन बीच भी सीगा उड़ीसा का, पूरी उड़ीसा का, ठीक है, द्वारका का बीच सीगा, या होर भी डिफरेंट डिफरेंट बीचिज़ सीगे आपां डिस्कस किए हुए ने, कल दे सैशन दे विच दोबारा डिस्कस कर लांगे एक बार पूरी दी पूरी लिस्ट नू। अज दे लई बस इन्ना ही, आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होएगा, लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करदे रहो अपने फ्रेंड्स दे नाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन, गुड बाय।